Amar Akbar Anthony, they are working on a project. Working together, Amar and Akbar can complete the project in 1 year. Akbar and Anthony in 16 months and Anthony and Amar in 2 years. If the person who is neither the fastest nor the slowest, fastest ना है ना slow है, कौन से वाला? फिर तो जो कम वाला middle वाला बंदा है उसके लिए. If he works alone, the time and months he'll take to complete the job. This is also easy question from time and work because ये एक बहुत standard question है. इसमें सिर्फ कंफ्यूजन नाम का है. ए ए ए से दिए गए हैं तो हम फर्स्ट अल्फाबेट नहीं दे सकते. ये वही है कि ए बी किसी काम को इतने दिन में करता है, बी सी इतने में, ए सी इतने में, तो अकेला ए कितने में करेगा या अकेला बी कितने में करेगा. इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क. चलिए देखिए, लेट्स ट्राई. वर्किंग टुगेदर अमर और अकबर. अमर ए एम प्लस अकबर ए के, ऐसे लिखना पड़ेगा. ये कितना टाइम ले रहे हैं? 1 साल. 1 साल को हम ऐसा करते हैं, मंथ्स में लिखते हैं क्योंकि बाकी सारे मंथ्स है, तो 12 मंथ्स. सेकेंड केस है अकबर और एंथनी. यहाँ पे अकबर लिखता हूँ प्लस यहाँ एंथनी लिख देता हूँ, एक ही बात है. दैट इज इक्वल टू 16 मंथ्स. और एंथनी और अकबर, ये एंथनी है प्लस अकबर है, दैट इज इक्वल टू 2 साल कितने होते हैं? 24 मंथ्स. ये तो वो है जो हमने दिया गया, हमने वो लिखा. इसका अगला स्टेप होता है कि आप टोटल वर्क रिज्यूम करिए. 12, 16, 24 से जो भी नंबर डिवाइड हो जाए. नॉर्मली हम इनका एलसीएम लेते हैं. इस केस में इन दोनों का, तीनों का एलसीएम आएगा 48. लेट्स अज्यूम 48 चॉकलेट खाने का काम है. तो अब यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि अमर और अकबर मिलकर 12 महीने में 48 चॉकलेट खाते हैं. तो अगला स्टेप होता है 1 मंथ का काम निकालना. 1 मंथ में कितनी चॉकलेट खाएंगे? 48/12 विच इज इक्वल टू 12 * 48 4. सिमिलरली ये दोनों मिलके 16 महीने में 48 खाते हैं, तो 1 महीने में 48/16 यानी 3 चॉकलेट्स. सेम वे में ये दोनों एंथनी और अकबर 24 मंथ में 48 खाते, तो 1 मंथ में 48/24 यानी 2 चॉकलेट खाएंगे. ये एफिशिएंसी है चॉकलेट. अब ये स्टेप निकालने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं कि अमर और अकबर 1 महीने में 4 चॉकलेट खाते हैं, अकबर और एंथनी 1 महीने में 3 चॉकलेट खाते हैं, एंथनी और अकबर 1 महीने में 2 चॉकलेट खाते हैं. इसको अगर हम ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए, अमर जो है वो भी 2 बार है, एंथनी है वो भी 2 बार है, अकबर है वो भी 2 बार है. राइट, ये एंथनी और अमर है. बेसिकली ये बनेगा 2 अमर + अकबर + एंथनी. दैट इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 4, 3, 7 and 2, 9. अगर मैं और फर्दर सॉल्व करूँ 2 से डिवाइड, तो अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी ये मिलके 9/2 यानी 4.5 चॉकलेट्स खाते हैं तीनों मिलके 1 महीने में. 1 दिन, 1 महीना, 1 घंटे से नहीं, यूनिट पे आते हैं. 1 मंथ में खाते हैं, कोई बात नहीं है. 4.5 चॉकलेट तीनों मिलके खाते हैं. इस इक्वेशन से और इससे हम सबकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. क्या देखिए, अमर और अकबर दोनों 4 खाते हैं और तीनों मिलके 4.5 खाते हैं. इस इक्वेशन से एंथनी का आ गया ना. एंथनी कितनी खाता होगा? आधी खाता होगा, 0.5. तभी तो ये टोटल 4.5 बनेगा. सेम वे में अकबर और एंथनी ये 3 खाते हैं, अकबर और एंथनी, तो इससे अमर की एफिशिएंसी आ सकती है. वो कितनी आएगी? 1.5. आगे से रहिए, 4.5 में से 3 माइनस कर दिया, 4.5 में से 4 माइनस कर दिया. अब यहाँ पे एंथनी और अमर ये खाते हैं दोनों मिलके 2 और तीनों मिलके 2.5. तो इससे अकबर की आ जाएगी एफिशिएंसी विच इज 4.5 - 2 यानी 2.5. अब क्वेश्चन के हिसाब से सबसे फास्ट कौन है? ये अकबर है फास्टेस्ट. क्यों? क्योंकि ये रोज या 1 मंथ में 2.5 चॉकलेट खा लेता है. सबसे स्लो कौन है? एंथनी. ये सबसे स्लो है क्योंकि ये डेली 1/2 चॉकलेट खाता है. तो जो ना फास्ट है ना स्लो है, वो है हमारा केस जो है अमर का, जो रोज 1.5 चॉकलेट खाता है. तो 48 अगर वो अकेला खाएगा तो कितने दिन लेगा? वो लेगा 48/1.5. 1.5 करेंगे इंटू 10, इसे हम काटेंगे अगर डेसिमल हटाऊं तो 3 5s are 15, 16 3s are 58, 5 2s are 10, 16 2s are 32 डेज लेगा वो अकेला. दैट विल बी आवर आंसर, 32 डेज. इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क. आप ए बी का टाइम गिवन है, बी सी का, सी ए का गिवन है. आप टोटल वर्क एज्यूम करिए, 1 मंथ या 1 डे के हिसाब से उनकी एफिशिएंसी निकालिए. उन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए, इससे तीनों की मिलके एफिशिएंसी आ जाएगी. अब तीनों की पता है और 2-2 के पेयर्स पता है, उससे तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी पता चल जाएगी. एज पर क्वेश्चन जो ना फास्ट है ना स्लो है वो अमर है, जो 1.5 चॉकलेट एक महीने में खाता है तो 48 खाने में 48/1.5 32 बेसिकली ये डेज नहीं है मंथ्स है, इतने मंथ्स लेगा। हालांकि उसमें मंथ डेज लिखना नहीं होता है, उसमें तो सिर्फ इंटीजर नंबर लिखना होता है 32। So that will be our answer. You can watch the video again. You can solve these type of questions and you should be able to do it in the exam.